शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की, और क्या कहना चाहेंगे, आज का दिन किस तरह से स्पेशल हुआ, किसने सबसे पहले विश किया, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद, और सुरजीत भाई को धन्यवाद, उन्होंने ये सब अरेंज किया। कोरोना का टाइम चल रहा है, आप देख ही रहे हो, तो थोड़ा सा घर में ही था बच्चों के साथ। मैं सोच रहा था सेलिब्रेट करूंगा, लेकिन भाई का फ़ोन आया तो मुझसे भी नहीं रहा गया, मैंने कहा चलिए आप लोगों से मुलाकात हो गई इस बहाने। विश तो मुझे सबसे पहले मेरी फैमिली ने किया, रात को 12 बजे मैंने केक काटा और फोटो डाले, तो एकदम से आप जानते हो कि थोड़ा बहुत जो भी मैंने कमाया है नाम यहाँ पे आप लोगों के ही बदौलत, तो बहुत अप्रिसिएशन मिला। रात भर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहे, फ़ोन भी आए कुछ, लेकिन सुबह जब खास हुआ कि मैं उठा और मैंने देखा भाई का मिस कॉल है, मैंने कॉल बैक किया तो पता चला कि ये भाई आना है और एक छोटा सा सेलिब्रेशन है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। दबंगई की है साथ में, तो मज़ा आ रहा है, और आज सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं साथ में, और अभी दबंगई का सेलिब्रेशन करेंगे और थोड़े दिन बाद। सुरजीत भाई क्या कहना चाहेंगे, आज सर का जन्मदिन है, आपने जो है फिल्म भी साथ में की है, कितनी स्पेशल मेमोरीज है सर के साथ, थोड़ी अगर शेयर करना चाहें। वो तो आप देख सकते हो, और मैं आपके माध्यम से और सर के जितने चाहने वालों सभी को मैं कहना चाहूँगा, आज सर का जन्मदिन था, हमारे लिए स्पेशल है, सर आए वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, कि सर के साथ मैंने काम किया है और मेरा फर्स्ट काम सर के साथ है, तो आप समझ सकते हैं कि पहला प्यार, पहला काम हर इंसान को याद रहता है। और नहीं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और मैं ये नहीं कि मैंने बनाई है, मतलब होता है कि चलिए हमने बनाई, लेकिन अच्छी बनी है, कुछ ही दिनों में आप लोग सब देखेंगे। सर के बारे में तो जितना बोलूं उतना कम है, वो इतना बड़ा अप्रिसिएशन है, मतलब उसके बाद सुरजीत भाई को ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं एक्टर हूँ, हमने प्रूव कर दिया कि ये एक्टर है। थैंक यू सर। तो किसी को भी ये साथ में काम किया, बहुत कमाल का काम किया इन्होंने, दबंगई जल्दी आप लोग देखेंगे, हम लोग उसका प्रीमियर और सब करने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। एक नए एक्टर इंडस्ट्री को मैंने दे दिया है सुरजीत सिंह राठौर, और बहुत अच्छा काम किया, और मुझे लगता है कि इसके बाद बुलाएंगे लोग काम के लिए इनको। सर मैं तो चाहूँ पर आप भी जल्दी, हाँ मैं तो बहुत जल्दी बुलाने वाला हूँ, हम लोग तो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है बाहर के लोग भी बुलाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लुक है और बहुत ही अच्छा शूट हुआ है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। सर अगर दबंगई की बात करें, किस तरह की फिल्म होगी, थोड़ा सा अगर ऑडियंस को ग्लिम्स देना चाहे फिल्म। दबंगई देखिए, आप शूट पे भी थे आप लोग, आपने देखा कि सब लोग उसके अंदर सारे अच्छे एक्टर थे, और भाई उसमें लीड किया है, तो इंट्रोड्यूसिंग है इनका, बहुत कमाल की बनी है, इसलिए मत पूछिए, क्योंकि मात्र 20 मिनट की फिल्म है, अगर मैं बता दूंगा ना तो मज़ा, काफ़ी कुछ बता चुके हैं हम लोग उस दिन, लेकिन अब देखिएगा, क्योंकि अब बन चुकी है, तो बहुत कमाल बनी है, बस इतना कहना चाहूँगा कि बस इंतज़ार कीजिए, चंद ही दिनों में हम आपके सामने लेके आने वाले हैं उसको। इसके अलावा आप दोनों से जानना चाहूँगा, कोविड का सिचुएशन था, एज ए डायरेक्टर आपके लिए क्या चैलेंजेस थे, और सुरजीत सर आप थोड़ा बताइए आपके लिए क्या चैलेंजेस थे एज एन एक्टर। देखिए जब हमने शूट किया था, जब कोविड तो नहीं था उतना, जब तो ऐसी कोई बाउंडिंग नहीं, जब तो ओपन था, पिछले महीने की बात है। अब चैलेंज लग रहा है कि हम कैसे उसका प्रीमियर करेंगे, कैसे, कुछ आर्टिस्ट जो हैं उनको कोरोना हो गया है, तो डबिंग के लिए प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम लोग मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, और बहुत जल्दी आपके सामने रिजल्ट आएंगे। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि कोविड है, हमें इसको इसके साथ हमें चलना है, तो आप मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज़ कीजिए, और बिना काम के घर से मत निकलिए, ध्यान रखिए बस कि लोग इसका पालन करें, जो जो सरकार, जो लोग हमें बता रहे हैं, तो इसका आप देख ही रहे हैं, एक साल है, जिनको नहीं, जो एहतियात बरत रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ एहतियात बरतिए और काम भी कीजिए, काम तो करना ही पड़ेगा। सुरजीत जी, एज ए एक्टर आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? देखिए एज एक्टर में अगर बात करता हूँ, एज एक्टर क्या, हर इंसान वर्कर जो काम करता है तो सबको ये प्रॉब्लम तो है ही है कि हम बाहरी क्षेत्र से यहाँ काम करने के लिए आए हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, रहने की, खाने की, पीने की, सोने, बहुत सारी दिक्कत है, तो हम तो ये चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करें, काम मिलता रहे, तो ये परेशानियाँ जो भी, वो भी दूर चली जाएगी, सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। बिल्कुल, तो काम नहीं होगा, कोरोना भी नहीं होगा, तो फालतू में ज़बरदस्ती सब कुछ बीमारियां पैदा हो जाएगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम मिलता रहे, हम काम करते रहे, तो पिछला एक साल 2020 कैसे खराब हुआ था, हम सबका खराब हुआ था, मैं नहीं चाहता कि 2021 भी वैसे ही चला जाए, तो सोशल डिस्टेंसिंग का काम होते रहे, और प्रोड्यूसर साहब हैं ही हैं,
अब ये पीछे हट जाएंगे, बोले नहीं नहीं अब दूसरा प्रोजेक्ट बंद करो, कोविड हो गया, नुकसान हो जाएगा, तो कुछ तो होना ही चाहिए ना सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, और सर का जन्मदिन है आज और फिल्म भी बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है। साजन सर को मेरी तरफ से इनकी ये बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच ब्रदर। मैं इनके साथ में पहली बार जुड़ा हूँ इंडस्ट्री के अंदर, मैं एक कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, बाकी सुरजीत भाई मेरे को इस इंडस्ट्री में लेके आए और साजन सर के साथ मिलने का ये मौका मिला इस फिल्म के जरिए, तो मेरे को भी अभी बहुत खुशी जाहिर हो रही है कि धीरे धीरे जैसे मेरे को नया प्रोड्यूसर मिल गया, जैसे जैसे सामने आ रहा है कि बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत अच्छा लुक में शूट हुआ है, तो मेरे को भी खुशी हो रही है, ताकि ये करके इसके आगे बढ़ूंगा तो और इनसे जुड़ा रहूंगा तो बहुत खुशी की बात है। साजन सर आपसे जानना चाहूँगा, जी भैया, एजाज जो है अभी अरेस्ट कर लिए गए, उनको कोविड भी हो गया, तो एज अ डायरेक्टर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब देखिए मैं डबिंग को लेकर पोस्ट प्रोडक्शन खत्म हो चुका नहीं, खत्म नहीं हुआ है पोस्ट प्रोडक्शन उनकी डबिंग नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है और इन सब चीज़ों में मेरी कुछ नॉलेज नहीं है जो हुआ है उनके साथ, कोविड के बारे में मुझे पता चला, भगवान उन्हें जल्दी से सही करे और जो भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है उससे निकल जाएं, बस यही हमारी दुआ है उनके लिए। और सर इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे जो ऑडियंस आपको देख रही है कोई? सबका धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद, मीडिया का धन्यवाद, हमेशा प्यार मिलता रहा है, मिलता रहे आप लोगों का प्यार, जल्दी आ रही है दबंगई हमारी शॉर्ट फिल्म MX प्लेयर पे, आप लोग देखिए और हमारे काम को सराहिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सुरजीत जी आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? सर आप अगर कुछ कहना चाहें ऑडियंस से, मैं यही कहूँगा कि हमारी दबंगई घर पे बैठे देखे, खाली समय निकाले नहीं, कुछ ना कुछ करते रहे, उसमें जब आप फिल्में देखते हो हमारी दबंगई भी ज़रूर देखिएगा, और घर में रह के आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, योगा करते रहे, अपने बॉडी को फिट रखें, जितनी सारी बीमारियाँ हैं वो सारी बीमारियाँ दूर हो जाएगी, खुश रहें, सुखी रहें, अपने परिवार की देख रेख करें, अपने ग्रैंड मदर दादा दादी सब की देखभाल करें, ये कोविड है चंद मिनटों में दूर हो जाएगा। प्रोड्यूसर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो यही चाहूँगा कि मेरी ये पहली मूवी है तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग इसको देखें और सराहें, तो इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ भी नहीं। एक आखिरी सवाल सुरजीत जी आपसे जानना चाहूंगा, जैसे मैंने सर से पूछा था एजाज खान के बारे में, एज अ एक्टर आप क्या सोचते हैं जो है एजाज? अब देखिए एजाज कोविड हुआ है उनको, मुझे पता चला, एजाज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत प्यारा इंसान है वो, देखिए वो भी एक कम्युनिटी का इंसान है, हम भी एक दूसरी कम्युनिटी का इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को दबाव होता है, एक अलग राजनीति एक अलग होती है, एज एक्टर मैं बात करूँगा तो उसके दिल में एक ऐसी कोई भी गलत भावना नहीं है, बहुत प्यारा इंसान है, तो मैं तो ये कहूँगा हमने साथ में काम किए, हमारा दोस्त है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है उसके साथ क्या करिए वो उनका लुकआउट है, हमने कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ में मैं खुद भी नहीं हूँ, मैं कोई गलत रास्ते पे तो मैं हूँ नहीं, और कोविड उनको हुआ है तो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जल्द से जल्द हमारे बीच में आए, हम अलग जो आगे काम करने वाले हैं साथ में काम करें, बहुत सारा उनकी वजह से काम किसी को रुका भी होगा, बहुत सारी प्रोड्यूसरों को परेशानियाँ होगी, बहुत सारे डायरेक्टरों के साथ उन्होंने कमेंट किया उनको परेशानियाँ होगी, परेशानी हर तरीके से, हर आदमी परेशान है, तो जो भी है जल्द जल्द खत्म हो जाए, बाहर आ जाए जो भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।